डोंगरगढ़ कोटवार संघ का दूसरे दिन भी जारी रहा धरना प्रदर्शन। कांग्रेस पार्टी व छह जनता कांग्रेस ने भी दिया कोटवारों को अपना समर्थन। कोटवारों ने सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। डोंगरगढ़ दिनांक 29 जून से 30 जून तक दो दिवसीय धरना प्रदर्शन कोटवारों का जारी रहा, जिसमें धरना प्रदर्शन के दूसरे दिन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सभी लोग धरना स्थल पर पहुंचकर कोटवारों की मांगों को याज बताते हुए अपना समर्थन दिया। कोटवारों ने पार्टी के लोगों का स्वागत किया, जिसमें पूर्व ऊर्जा मंत्री धनेश पाटला, जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवाज खान, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष द्वय, संजीव गोमस्ता, कमलेश वर्मा, शो भाराम बघेल, संध्या देश पांडे, हरिप्रसाद शर्मा, रिमी भाटिया, डॉ थानेश्वर पटिला, संजय श्रीवास्तव, सुलोचना माकंडेय, विवेक वासनिक, गोविंद टंडन, शिशुपाल भारती, अनिल मेश्राम, युवक कांग्रेस अध्यक्ष संदीप सिंह गहरवा, रईडविन हैदर, अनिकेत मेश्राम, हरीश भंडारी, इंद्रपाल राजा, विजय राज, अजय सहारे, राजकुमार गरेवाल, गणेश साहू, राजकुमार सिंह सहित पार्टी के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। वहीं कुछ समय पश्चात जनता कांग्रेस छह के जिला युवा अध्यक्ष नवीन अग्रवाल भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ धरना स्थल में पहुंचकर कोटवारों की मांगों को उचित बताया और अपना समर्थन दिया, जिसमें कोटवारों ने अपनी लंबित मांगों को अभी तक सरकार के द्वारा पूरी नहीं किए जाने को लेकर तहसील कार्यालय के सामने टेंट लगाकर दूसरे दिन भी 30 जून शाम 4 बजे तक बैठे रहे और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते रहे। वहीं शाम 4 बजे तहसील कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री का नाम एक ज्ञापन डोंगरगढ़ एसडीएम की अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार रश्मि दुबे को सौंपा गया, जिसमें कोटवारों के द्वारा बताया गया कि कोटवारों को भी सरकारी कर्मचारियों का दर्जा दिया जाए या फिर नियमितीकरण करते हुए उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार 18,000 रुपए की दर से वेतन दिया जावे। छत्तीसगढ़ कोटवारों को नियमितीकरण करते हुए कलेक्टर दर पर पारिश्रमिक राशि प्रदान की जाए। नगर पालिका व निगम क्षेत्र में कोटवार नियुक्ति में लगाया गया प्रतिबंध हटाया जाए। कोटवारों को समर्थन देते हुए पूर्व मंत्री धनेश पटिला और जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवाज खान ने कहा कि कोटवारों की सभी मांगों को कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में रखेगी और सत्ता में आते ही उन्हें शीघ्र पूर्ण करेगी। दोपहर 4 बजे धरना समाप्त होने के बाद कोटवार संघ के सदस्यों ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें तहसीलदार रश्मि दुबे के द्वारा कहा गया कि ज्ञापन को उच्च अधिकारियों के आगे भेज दिया जाएगा। आज आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, ये किस विषय को लेकर बैठे हैं? ये कोटवारों के प्रदेश में 15,000 कोटवारों की संख्या है। हमारी नियुक्ति छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 230 के अंतर्गत न्यायालयीन प्रक्रिया के दौरान तहसीलदार के द्वारा कोटवारों की नियुक्ति किया जाता है और हम अभी से नहीं अंग्रेज शासन काल से कोटवार हैं, जो शासन की अंतिम कड़ी के रूप में कार्य करते हैं और शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार बुनियादी के माध्यम से किया जाता है और हम लगभग शासन के प्रत्येक विभाग 51 विभाग की चाकरी कर रहे हैं, फिर भी छत्तीसगढ़ की सरकार हम कोटवारों के हित में कुछ नहीं कर रही है। हमारी मांग कोटवारों को शासकीयकरण का दर्जा दिया जाए, शासकीयकरण करके शासकीय कर्मचारी बना दिया जाए, या फिर ऐसा नहीं हो सकता है तो नियमितीकरण करते हुए हमें कलेक्टर दर पे पारिश्रमिक राशि देना चाहिए, तब जाकर कोटवारों की हित होगी। हमारी लंबित वर्षों पुरानी मांग है, 1981 से मांग को लेकर के हम शासन और प्रशासन को ज्ञापन और धरना प्रदर्शन हड़ताल सम्मेलन के रूप में कर रहे हैं, लेकिन आज भी सरकार हमारी मांगों को संज्ञान में नहीं ले रही है। हम डॉक्टर रमन सिंह प्रदेश के मुखिया से हम अपील करते हैं कोटवारों के हित के लिए और उनके परिवार के हित के लिए विशेष ध्यान देकर के कोटवारों को नियमितीकरण कर कलेक्टर दर से पारिश्रमिक राशि देना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी उच्च न्यायालय का आदेश है कि कलेक्टर दर से किसी भी प्रशासनिक स्तर पे जो लघु वेतन कर्मचारी है उनको कलेक्टर दर से पारिश्रमिक राशि दिया जाए और इतनी कम राशि में हम 3,000-4,000 रुपए में अभी आंशिक वृद्धि किया है 50%, लेकिन हम इससे संतोष नहीं है। हमारी मांग है कलेक्टर दर से पारिश्रमिक राशि देने का। प्रदेश के सभी समस्त कोटवार आज इस मांग को लेकर के अपने अपने तहसील स्तर पर आज दो दिवसीय धरना प्रदर्शन है 29-30 तारीख को और 1-2 जुलाई को हम रायपुर पहुँच करके पूरा प्रदेश के समस्त कोटवार विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। CNI न्यूज डोंगरगढ़ से महेंद्र शर्मा उर्फ बंटी की रिपोर्ट।